हेलो, वेलकम टू एक्टिवी फिल्म्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी डिजाइन दिखाने वाला हूँ, मतलब जिसमें हम बाकी हमने सीन सेटअप सारा कर लिया है, बस इसमें हम कैरेक्टर को थोड़ी बहुत एनिमेशन करने वाले हैं। अगर आपको भी एनिमेशन करना पूरी तरीके से सीखना है तो हमारा कोर्स है, आप उसको उसको परचेस कर सकते हैं। और उसमें हमने A to Z की सीन सेटअप से लेकर कैरेक्टर मॉडल तक दिए हुए हैं, तो आप सीन सेटअप करना भी सीख जाएंगे उसमें। तो सो कोर्स में हमने सारा कुछ सिखाया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी एनिमेशन करने वाला हूँ, आप अगर उससे कुछ समझ पाते हैं तो अच्छा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोर्स से सीखना है तो आप कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। और ठीक है, मैं अब ये एनिमेशन करता हूँ। तो हमारा ये कैरेक्टर है, पता नहीं आपको इसकी PC की ये साउंड सुनाई दे रही है कि नहीं। तो और हाँ, मैं डिस्प्ले 2 यूज कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ ये फर्स्ट व्यू जो पहली वाली जो डिस्प्ले है, फर्स्ट डिस्प्ले सिर्फ वही शो कराएगी। यहाँ जो इधर की साइड में सेकंड डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ वो आपको नहीं दिखाई देगी, उधर इसका सारा कुछ इधर है, तो ये वाली डिस्प्ले आपको दिखाई नहीं देगी। तो बाकी चीज़ें मैं बताते जाऊँगा कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर ले रहा हूँ या उठा रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने एनिमेशन सेटअप कर लिया है, बाकी सारा सीन सीन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। मैं इसको अभी थोड़ा सा प्ले करके देखूंगा और मैं कहाँ से क्या करने वाला हूँ। बाकी मैंने इसके मतलब एक तो पोज मैंने करी दी है और थोड़ी बहुत एनिमेशन भी कर दी है, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया उससे भी मैं अभी कर देता हूँ, और शायद थोड़े बहुत मैं आपको कुछ सीखने को मिल जाए, तो वो बस आप वीडियो देखिए। तो मैं एक बार यहाँ पर, अच्छा मैं इधर की डिस्प्ले पर काम कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इधर कुछ नहीं है सिर्फ बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है, इधर की डिस्प्ले पर काम कर रहा हूँ, उधर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले डिस्प्ले जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो PC का भी आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा मेरी राम में, क्योंकि मैंने ऑन कर दिया। अगर वो नहीं होगा तो मैं एंड में वीडियो के जब लास्ट में एडिट करूंगा उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं एक बार इसको प्ले करके देखता हूँ। तो ठीक है, अब मैंने आपके लिए दोनों डिस्प्ले ओपन कर दिए हैं जिससे हम आप दोनों डिस्प्ले में देख पाएंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं इस डिस्प्ले पर भी क्या कर रहा हूँ और इस पर तो जो स्क्रीन पर चल ही रहा है वो आपको दिखाई देगा। तो ठीक है, हमारा ये कैरेक्टर है, तो मेरा सीन ये है, यहाँ से ये कैरेक्टर उठ के अंदर वाले रूम में जाएगा। तो देखिए अभी चल रहा है बट ये वहां नहीं जा रहा है, तो मैं उसे यहाँ वहां तक ले जाऊंगा। तो मैं इसे एक बार यहाँ पे अपना जो की है ट्रांसफॉर्म की वो ऐड कर दूंगा, A बटन दबाते ही ऐड, और थोड़ा सा आगे लूंगा इसको ताकि ये यहाँ से अंदर की ओर आ जाए, थोड़ा बाहर की ओर। इससे थोड़ा रोटेट कर दूंगा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से, और सॉरी एक सेकेंड इधर गया, एक सेकेंड मास्टर, हाँ या तो ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा जूम कर लूंगा, ऑल्ट दबाएंगे, व्हील्स को स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा इधर कर लेंगे। अब मैं यहां से ये थोड़ा आगे आ गया, अब थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा इसको, तो ई दबाऊंगा और अपना रोटेट टूल ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट करूंगा आगे करूंगा, अब इसको थोड़ा सा इतने में आगे कर दूंगा, ये गया आगे, ठीक है। फिर से थोड़ा सा रोटेट करके मूव करना है तो इतने पर रोटेट कर दूंगा, यहाँ आऊंगा थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेंगे, इसको ई दबाएंगे, रोटेट टूल ओपन हो जाएगा, इसको रोटेट कर दूंगा, थोड़ा सा अंदर करेंगे इतना करीबन, ये यहाँ अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा रोटेट करेंगे इतने पे ये रोटेट हो जाएगा, और अब इस कैरेक्टर को चला के उसके पास वहां तक खड़ा कर दूंगा मैं, तो लास्ट तक यहाँ तक मैं इसको खड़ा कर दूंगा। तो एक बार ले जाता हूँ इसको, ये आ गया यहाँ, ठीक है। तो अब ये अपनी एनिमेशन ऐसे होगी,
चल के जाएगा, घूमेगा, फिर थोड़ा चलेगा, फिर घूमेगा, फिर अंदर जाएगा वहां तक। अभी एक चीज गौर करिए, यहाँ पर जब ये अंदर जा रहा है तो सोफे के अंदर घुस रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको आउट कर दूंगा, अब ये सोफे से बाहर आ जाएगा, तो अब ठीक है, अब ये प्रॉपर चलेगा, गया वहां तक। मैं एक बार यहाँ पर F8 दबाऊंगा और एक बार मैं डिस्प्ले यहाँ पर ओपन कर लूंगा, ये मैंने एक बार ओपन कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्विच मोड ऑन कर दूंगा, अरे बंटी उठ उठ। ठीक है, यहाँ तक एनिमेशन हो गई। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, प्ले करके देख करता जानवर की हूँ। औलाद अभी तक 10 बज के सो ही रहा है, रिजल्ट है कुछ होश है तुझे? जानवर अभी तक सो ही रहा है, अच्छे रिजल्ट देख के आ भी गए, ये अभी तक सो ही रहा है। अरे बाबा यार उठ रहे हैं आप, हमेशा गलत टाइम पर ही जगाते हो क्या? मस्त सपना देख रहा था मैं। अरे मेरे पूत लाडले, टाइम यहाँ पे जब एक कैरेक्टर को उठा इस वाले पे, मैं थोड़ा उस वाले कैरेक्टर के पास जाऊंगा, इधर की साइड से देखूंगा, क्लोज जाऊंगा थोड़ा सा। इस कैरेक्टर को मैं अपने सीन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इधर कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, और 1 मिनट ये वाला हट गया, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको ऑन कर दूंगा। अब इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म की ऐड कर दूंगा, अब थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लूंगा, वैसे जूम करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे कर दूंगा इसको। अब ये ठीक है, आप पहले कर टाइम दूंगा। गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है, और आज अगर तू फेल हुआ तो इंसान और टाइम। तो इंसान और टाइम दोनों ही ऐसे गलत होंगे कि तेरी आगे वाली 7 पुश्तें कांपेंगी, समझ गया तू? ए पापा सुबह ही सुबह इतने क्यों भड़के हुए हो? रिजल्ट अभी आया नहीं है, फेल पास क्या है पता नहीं है, फिर इतने क्यों गर्म हो रहे हो अभी? मैं इसलिए गर्म हो रहा हूं कि तू 2 साल से फेल हो रहा है, और अगर तू इस बार फेल हुआ। हेलो हाँ यहाँ से मैं इस कैरेक्टर को एक ट्रांसफॉर्म ऐड करूंगा, एक मिनट पीछे करता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया। हेलो हाँ कौन बोल रहे हो?
अरे हम शर्मा जी बोल रहे हैं। अरे आपका लड़का पास हुआ कि फेल? हमारे चिंटू के 92% आ गए हैं। लड्डू खिलाने आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है शर्मा जी, अभी अभी बंटी ने रिजल्ट देखा नहीं है, अभी जैसे ही रिजल्ट देखता है मैं आपको फोन करके बताता हूँ। ठीक है, सुन रहा है? शर्मा जी के लड़के के 92%। मैं क्या करूंगा इस कैरेक्टर को, शुरू से ही थोड़ा सा, 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जब ये यहाँ पे आया है मैं इसलिए गरम हो रहा हूं कि तू 2 साल से फेल हो रहा है, और अगर तू इस बार फेल हुआ। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो? अरे हम शर्मा जी बोल रहे हैं। अरे आपका लड़का पास हुआ कि फेल? हमारे चिंटू के 92% आ गए हैं। लड्डू खिलाने आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है शर्मा जी, अभी अभी बंटी ने रिजल्ट देखा नहीं है, अभी जैसे ही रिजल्ट देखता है मैं आपको फोन करके बताता हूँ। ठीक है, सुन रहा है? शर्मा जी के लड़के के 92% आए हैं, और तू बस पास ही हो जाओ, वही बहुत है मेरे लिए। अरे पापा, वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है ना, मैं फेल होऊंगा या पास। बाकी मैंने तो पापा दिन वहां की मैंने तो पापा दिन रात पढ़ाई करी है। बस बस कभी कभार CPM जोक पर कॉमेडी के वीडियो देख लेता हूँ बस पापा। पता नहीं ये जानवर कौन सी घड़ी में